तालियों की आवाज कम आ रही है।
कि हमें हर वर्ष श्री बाल बाबा जी एक इस धार्मिक आयोजन कराने में करने में हमारे लिए एक नारायण का अवतार लेकर आए हुए हैं, जो हमें अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए हमें एक सन्मार्ग दिखाते हैं कि हमें किस प्रकार शास्त्रों के अनुसार, वेदों की मर्यादा के अनुसार हमें यज्ञ यागादि करने चाहिए, जिनको करने से हमारा कल्याण होता है। ये जो हमें शिक्षा मिलती है, ये संस्कार जो हमें मिलते हैं, ये सत्पुरुषों के संग से मिलते हैं। हमें नहीं पता कि हमें जीवन में कैसे जीना है, कैसे हमें जीवन को चलाना है, कैसे जीवन में रहना है, परंतु जब हम ऐसे संतों की शरण में आते हैं तब हमें अपने जीवन के जीने के ढंग का पता लगता है। ऐसे संतों की, ऐसे महापुरुषों की महिमा को गाया नहीं जा सकता। जब ऐसे संतों की महिमा को हमारी वाणी कहने लगती है तो वाणी कहते कहते कुंठित हो जाती है। वाणी के पास वो शब्द नहीं होते हैं, वाणी के पास वो शब्द नहीं होते हैं जिन शब्दों से ऐसे संतों की महिमा गाई जाती है। मानस में लिखा हुआ है, हम लोग तो क्या कि विधि हरि हर कि विधि हर हर गोविंद वाणी कहत साधु महिमा सब जानी। कहते साक्षात ब्रह्मा भी, नारायण भी, शंकर और विद्वान लोग भी जब संतों की महिमा का गान करने लगते हैं तो उनकी उनकी जो वाणी है वो कुंठित हो जाती है, संकुचित हो जाती है। ब्रह्मा भी संतों की वाणी का गुणगान नहीं कर सकते, साक्षात परमात्मा भी ऐसे संतों की वाणी का गुणगान नहीं कर सकते। भोलेनाथ भी आ जाए तो भी जो ये संतों की हमारे ऊपर कृपा होती है, इनका हमें आशीर्वाद मिलता है, उस महिमा को वो शंकर भी नहीं गा सकते। ऐसे में संतों की महिमा जिनकी शरण में हम रहकर अपने जीवन का कल्याण करते हैं, अपने पापों को धोते हैं। अभी महाराज ने कहा कि बच्चों को संस्कार कैसे देने चाहिए, बच्चों को प्रणाम कैसे करना चाहिए, प्रणाम करने का क्या लाभ होता है, क्यों प्रणाम किया जाता है, ये सब बातें हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। बच्चे जब तक संतों की संति में नहीं आएंगे, संसर्ग में नहीं आएंगे, तब तक उन्हें कुछ पता नहीं है। कहते हैं जो हमारी चिंताएं होती हैं, हमारी दुविधाएं होती हैं, हमारे जो दुख होते हैं, वो सब हमारे मस्तक पे ऊपर रहते हैं, और ये मस्तक ऐसे संतों के चरणों में झुक जाता है तो ऐसे संत हमारे मस्तक की सारी चिंताओं को हर लेते हैं। ऐसे संतों के चरणों में लगना, उनके चरणों का अनुराग लेना, मतलब अपने पापों को साफ कर देना, अपने मन के पापों को धो देना। जिस प्रकार वहनी संसर्गा त्यजती मलम कांचना, यथा वहनी प्रसंगा मलम त्यजती कांचना, तथा सताम ही संसर्गा पापम त्यजती मानवा। जिस प्रकार अग्नि के संसर्ग में आने से स्वर्ण अपने मल को साफ कर देता है, हम सोने को जब अग्नि में डालते हैं तो अग्नि का सारा मल साफ हो जाता है, धुल जाता है, वो एकदम चमक जाता है, उज्जवल हो जाता है स्वर्ण। उसी प्रकार जब हम ऐसे संत महापुरुषों की शरण में आते हैं तो हमारे जितने भी पाप होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और पाप खत्म होने के बाद हम एक उज्जवल बन जाते हैं, एक हमारे में वो चमक आ जाती है, एक हमारे में वो ऊर्जा आ जाती है जिससे हम साक्षात उस नारायण का दर्शन कर सकते हैं।
वंदहु संत समान चित हित अनहित न कोई अंजलि गत सुभ सुवन जिमी सम सुगंध कर दो। ऐसे चरणों ऐसे संतों के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। वंदहु संत समान चित जिनका चित जिनका मन इतना निर्मल है इतना साफ है कि किसी के प्रति उनका कोई वैर द्वेष नहीं है शत्रु भाव नहीं है सबके प्रति वो समान है। कोई भक्त है कोई अभक्त है शिष्य है अशिष्य है कोई बुरा है कोई अच्छा है परंतु जो संत होते हैं वो सबके ऊपर कृपा करते हैं वो सब उनके लिए समान होते हैं। तालियां फिर कम हो गया सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। एक हाथ फूल को तोड़ता है एक हाथ फूल को तोड़ता है और दूसरा हाथ उस फूल को अपने पास रखता है परंतु उस फूल की शोभा देखो उस फूल की कृपा देखो। जिस हाथ ने उस फूल को तोड़ा उसको भी उसने सुगंधित किया और जिसने अपने हाथ में रखा उसको भी सुगंधित किया। तोड़ने वाले को उसने ऐसा नहीं कि सुगंध नहीं दी उसको भी सुगंधित कर दिया। उसी प्रकार ये संतों का जीवन होता है इनका जीवन भी फूल की तरह है। जो इनको प्रणाम कर दे वो भी जो ना प्रणाम करे वो भी कोई मान कर दे तो भी कोई अपमान कर दे तो भी सबके ऊपर उनकी बराबर कृपा होती है उस फूल की। ऐसे संतों चलते फिरते तीर्थराज होते हैं जो हमेशा हमें आनंद में करते रहते हैं हमेशा हमारा मंगल करते रहते हैं। मूल मंगलमय संत समान जो जग जंगम तीर्थ राय राम भक्ति सुर सरी सरसाई ब्रह्म विचार प्रचार। मानस जी कहते हैं तुलसी जी कह रहे हैं कि मूल मंगलमय संत समाज ऐसे संतों का जो समाज होता है वो आनंद देने वाला होता है। ऐसा आनंद जो आज जहां बरस रहा है वो द्वारा और कहीं आपको ऐसा आनंद नहीं मिलेगा। ये आनंद आज मिलेगा आपको फिर आने वाले ये संतों के समाज से जो हमें आनंद मिल रहा है। जो जंगम तीर्थ नारी ये तो इस संसार में इस जग में चलते फिरते तीर्थ है। यदि हमारे इस उन्ना शहर में उन्ना नगरी में ऐसे संतों का वास है तो हमें संगम त्रिवेणी में जाने की नहाने की कोई जरूरत नहीं। संतों की संगम में जाने से तो शरीर का मन धोया जा सकता संगम में जाओगे तीर्थों में जाओगे तो शरीर का मन धोया जाएगा परंतु संतों के इस समाज में आ जाओगे जहां स्नान कर लोगे तो मन का मैल धो जाएगा मन पवित्र हो जाएगा। यहां तो राम भक्ति सुर सर धारा यहां तो राम की कृष्ण की कथाएं बह रही हैं कथाओं का अनुष्ठान हो रहा है और सरस्वती रूपी ब्रह्म का विचार प्रचार हो रहा है। ऐसी इस नगरी में आकर ऐसे संतों के चरणों में आकर यदि सिर झुकाकर दोनों हाथ खोलकर तालियां बजाकर स्नान कर लोगे तो मन का भी तन का भी धन का भी सारे का सारा मैल खुल जाएगा।